आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज़। खबर के अंदर का सच, हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाने के विरोध में केंद्र सरकार का विरोध और राव साहेब दानवे के वक्तव्य का विरोध करते हुए शिवसेना गोंदिया जिला द्वारा रेस्ट हाउस चौक पर 12 दिसंबर को आंदोलन किया गया। इस अवसर पर शिवसेना जिला प्रमुख मुकेश शिवहरे, जिला संगठक सुनील लांजेवार, उप जिला संगठक गोलू दोहरे, विधानसभा संगठक दिलीप गुप्ता, शहर प्रमुख गुड्डू के, शहर संगठक विनीत मोहिते, उप तालुका प्रमुख पिंटू बावनकर व तमाम शिव सैनिक उपस्थित थे। रास्ता रोको का आदेश है, आदेश का पालन करना है। और जो आज आप देख रहे हैं कि 2014 में जो पेट्रोल के भाव थे, आज 2020 के अंदर में जो पेट्रोल के भाव केंद्र सरकार ने बढ़ाई है, अब लोगों को इस बात की जागरूकता चाहिए कि क्रूड ऑयल इतना सस्ता होने के बाद आज भारतवर्ष के अंदर में इतना महंगा पेट्रोल केंद्र सरकार बेच रही है। शिवसेना गोंदिया जिला इसका विरोध करती है। आपने किसानों को देखा कि किसानों के अंदर में भी आज दिल्ली से लेके सिंधु बॉर्डर के ऊपर में किसान डटे हुए हैं, मगर किसानों की कोई मांगे केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं है। वर्तमान के अंदर में किसानों के ऊपर में जो अन्याय हो रहा है, गोंदिया जिला शिवसेना उन किसानों के साथ में, गोंदिया जिला के संपूर्ण महाराष्ट्र के हमारे शिवसेना के पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे, मुख्यमंत्री साहब, आज हम किसानों के साथ में खड़े हैं। आज हमने जो आंदोलन किया है, अब इसके बाद में केंद्र सरकार अगर जागरूक नहीं होती है तो शिवसेना रास्ते पर आज जैसे उतरी है उग्र आंदोलन करेगी और केंद्र सरकार का भरसक विरोध करेगी। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।